नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भूलकासागर विद्याभवन वती हूँ गायत्रीना आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के। विद्यार्थी मित्रों, आ सरस मजानो पाठ आपने अभ्यास करी रहिया छे, तो जोईए आगळ। प्रश्न करता रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 इस्लामिया इटर कॉलेज इटावा। तो सरस मजानो प्रश्न जोईए। आ कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सो कहे छे कि तमे कहो छो कि आपनो भारत देश એ 2020 સુધી વિકસિત થઈ જશે, પર નિરંતર બઢતી જનસંખ્યા ઓર બેરોજગાર ઇશે સંભવ હોને દેગી। શું કહે છે, પરંતુ આપણા દેશમાં જે વસ્તી વધારો અને બેરોજગાર સૌથી વધારે છે, તો એ ખરેખર આપણા દેશને વિકસિત કરવા દેશે? સરસ મજાનો ઉત્તર જોઈએ ડૉક્ટર કલામ। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। क्या कहा है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अचूक औषधि है, कि विकास छे एज अपनी वधती जती संख्या ने रोकवा माटे एक दवा छे, एक औषधि छे। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है, કે જો વસ્તી વધારો રોકવા માટે સૌથી વધારે શિક્ષણ કોને આપવું જોઈએ? સ્ત્રીને શિક્ષણ આપવું જોઈએ। ઇસી સે છોટા પરિવાર ઓર સુખી પરિવાર કી માન્યતા કો ભી બલ મિલતા હૈ। ભારત 2020 તક મિશન યહ હૈ કી યુવાઓ કે રોજગાર કે પર્યાપ્ત અવસર સુલભ પાહેગા। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, कि ग्रामीण विस्तार में नाना मोटा पण उद्योगों स्थापित करवामां आवशे अने ग्रामीण लोगों ने रोजगारी मळी रहेशे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे अने सरळताथी ग्रामीण लोगों ने रोजगारी मळी रहेशे। दूसरा सवाल हर्ष मेहता कक्षा 12 तेजस हाईस्कूल बड़ौदा। तो उसने कहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, कि तमने एवं केम लगे कि आपनो भारत देश जे 2020 सुधी विकसित बनी जैसे? सरस मजानो प्रश्न है, तो उत्तर पण जोईए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, कि अपना भारत देश में सौथी वधारे संख्या जनसंख्या एट वस्ती वधारो छे। इसमें 54 करोड़ लोग केटला 54 करोड़ 25 वर्ष से कम आयु के है। अपना भारत देश में 54 करोड़ लोग छे, ए 25 वर्ष थी नीचेना लोग छे, युवाओं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, एज अपनी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाक भी उपलब्ध है, कि अपना देश ने विकास माटे तेवा संसाधनों पण छे, साधनों पण छे। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित थी, कि अपना देश में जे 54 करोड़ों युवाओं एम एक ज लक्ष्य है कि अपना देश ने अपना राष्ट्र ने विकसित करव। इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी और ते अवश्य सफल थशे। अगला प्रश्न, एक एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। तो उसने कहा है कि कोई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं,
लक्ष्य यानी ध्येय के अमुक विद्यार्थीना मोटा मोटा लक्ष्य होय छे, ध्येय होय छे, विचार होय छे, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु ए लक्ष्य सुधी पहुँचवा माटे आर्थिक समस्या आती है, इसीलिए वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? जो लक्ष्य प्राप्त करवो है तो हमने शू करव पड़े? तो सरस मजानो जवाब जो ये डॉक्टर कलाम ने कहा, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। शू कहे कि स्कूल में पेलो बीजो तीजो जो आप नंबर लाशों तो आपने स्कूल तरफ थी शिशुवृत्ति मळशे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण यानी पैसे लेने हेतु प्राप्त होते हैं। क्या कहा है कि जो आपने स्कूल में पहलो बीजो तीजो नंबर लाशों तो आपने स्कूल तरफ थी शिशुवृत्ति मळशे अने उच्च शिक्षण माटे आपने अलग अलग बैंकों से ये लोन आपशे। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेगी? एटले कि कहे छे कि अने जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। कहे छे कि आपने जो लक्ष्य ऊंचो छे तो ये लक्ष्य सुधी पहुँचवा माटे केटलीक मुश्किलीओ पण आवशे, आर्थिक सामाजिक, जो आ बधी मुश्किलीओने आपणे हार आपवी पड़शे अने आपणे जीत मेळवानी रहेशे। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से इन्हें पराजित करना होगा। उत्कृष्ट यानी उत्तम श्रेष्ठ कहे छे कि आपणे कठिन परिश्रम आपणे सौथी वधारे मेहनत करवी पड़शे। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य सुधी अपना जीवन में लक्ष्य सुधी पहुँचवा माटे गम्मे तेटली मुश्किलों आवशे पण आपणे ए मुश्किलीने पराजित आपणे अने आपणे जीत मेळवानी रहेशे। अस्तु।